झालावाड़ शहर में आए दिन होने वाली चोरियों की घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। जहां शहर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया है। शहर में सीमेंट रोड पर आज सुबह तड़के 3 बजे एक अज्ञात युवक ने सीमेंट रोड स्थित गेहूं की दुकान और एक किराने की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना में चोर किराने की दुकान से चोरी करने में सफल रहा। सीमेंट रोड व्यापारी सुबह जब अपनी दुकानों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके ताले टूटे मिले। इस बार उन्होंने अंदर से खोल कर देखा तो किराने की दुकान से सामान चोरी की जानकारी मिली। वहीं गेहूं की दुकान में ताला तोड़ने के बाद दुकान का शटर ऊंचा करने से असफल होने पर चोर फरार हो गया। इस मामले में किराने की दुकान व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल नुकसान के बारे में आकलन नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में करीब 1 लाख रुपए का सामान चोरी होने की संभावना बताई गई है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार से चोरियां हो रही है और व्यापारी वर्ग जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, लेकिन पुलिस के नाक पर जू नहीं रेंग रही, ना व्यापारियों की चोरियों का कोई सुराग अभी तक लगा पाए है। और आज भी लगातार मतलब 11 चोरियां लगातार हो चुकी, और भी अभी और आना बाकी है कि आज रात को और कितनी चोरियां हुई। इसको लेकर व्यापारियों में बहुत डर भी और आक्रोश दोनों है, और पूरे व्यापार संघ ने ये निर्णय किया है कि आज पूरे दिन बाजार बंद रख के और दिन में 11:30 बजे जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, एसपी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उसके बाद पुलिस क्या करती है उस पर व्यापार संघ निर्णय करेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर आगे अनिश्चितकाल पे भी जा सकते हैं। लगभग 11 चोरियों का रिकॉर्ड तो हमारे पास आ चुका है, लिख के हमने तैयार कर लिया कि 11 चोरियां अभी तक हुई है। आज रात में कितनी हुई थी? आज रात को 3-4 चोरियां हुई है।